सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बुधवार को एक राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगजन, वृद्धजन व नशा मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। राज्य मंत्री ने कुरुक्षेत्र के 104 वर्षीय पंडित शादी राम को प्रथम पुरस्कार, शतवर्षीय पुरस्कार 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया है। वहीं रेवाड़ी से रेवती देवी को श्रेष्ठ माता का प्रथम पुरस्कार और 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया है। हालांकि नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य करने वाले नशा मुक्ति एवं परामर्श केंद्र भगत फूल सिंह राज्य के महिला महाविद्यालय खानपुर कला सोनीपत को प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए के चेक से नवाजा गया है। आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का प्रथम पुरस्कार भूदत्त शर्मा जिला रेवाड़ी को 50,000 रुपए का चेक और शील्ड व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांग वृद्धजनों के लिए चलाई गई हैं। दिव्यांगजन भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए दिव्यांगों की हर व्यक्ति को हर संभव सहायता अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मंच के माध्यम से जो प्रतिभा दिखाई है वह अपने आप में अनूठी और सराहनीय है। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि नशा एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो आज के युवाओं को अपने जाल में जकड़ रही है। इसको खत्म करने के लिए समाज के हर व्यक्ति और संस्थाओं को आगे आकर काम करना चाहिए। में कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं, इन सभी को इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे बीच में वो दिव्यांगजन है, उन लगी हुई स्टालों के माध्यम से हमने उनके कर्तव्य इस मंच के माध्यम से उनके कला और कौशल का परिचय जो देखा वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जो दिव्यांग जन की इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए किसी न किसी रूप में जो मदद में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ चाहे सरकारी नौकरी पाकर भी जो इन लोगों की सेवा में काम कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि वो और भी सेवा भाव से काम करें और आज जो इनके कर्तव्य देखे वो उनके सेवा भाव का ही परिचय है।